हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो अभी शाम का टाइम हो रखा है और मैं थोड़ी देर दोपहर को मैं अच्छे से थोड़ी देर सो गई थी, मतलब 4:30 बजे सोई थी। तनु बोल रही थी कि कुछ बना रही हूँ मैं, तो उठ जा। देखते तनु किचन में बना क्या रही है, दिखाती हूँ आपको। रोशी ये बैठा हुआ है यहाँ बीच में। तनु तनु क्या बना रही है? तूने मुझे बोला था तू कुछ बना के खिलाएगी मुझे आज। ब्रेड पिज्जा बना लो, बहुत क्योंकि ब्रेड भी ली हुई थी हमने उसके लिए और हमारे पास चीज भी था घर पे ही, तो बना के रेसिपी शेयर कर दी। मेरे को ऐसा लगा मेरा गला खराब हो गया। नहीं नहीं ठीक है। और यहाँ पे टमाटर कट कर लिए मैंने। ठीक है, अभी कितने टमाटर लिए हैं? ये तो दो है, अभी एक टमाटर और ले लेती हूँ, बिकॉज दो दो तो खाएंगे पिज्जा। और ब्रेड पिज्जा बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत टेस्टी। हमने शायद सबसे पहले यही बनाने सीखे थे, है ना? ब्रेड पिज्जा बनाना सीखा था पहले, सबसे पहले शायद से, तो मुझे तो याद नहीं है। मैं तो शायद इडली से भी पहले सीखे थे। हाँ, इडली से तो पहले ही सीखे थे। कंचन ने बनाकर खिलाए थे जब, याद है? ये उसी ने खिलाए थे हमें। हाँ ये तो मुझे याद है। तो टमाटर के ना अच्छे से सारे बीज निकाल लेने, क्योंकि फिर ना सही से लगेंगे, थोड़ा टेस्ट वो आ जाएगा, अच्छा नहीं आएगा। बारीक बारीक टमाटर काट लेने, कैप्सिकम कट कर लेने, कैरेट है तो कैरेट भी काट लेना, और प्याज मेन। ठीक है, तो मैं तो इसमें डाल रही हूँ टमाटर, प्याज और कैप्सिकम, ये तीन चीजें मैं डाल रही हूँ। आपके पास गाजर है तो गाजर भी ऐड कर सकते हो। मटर है तो मटर भी ऐड कर दे। नहीं नहीं मटर नहीं, मटर थोड़ा अच्छे लगे। स्वीट कॉर्न, हाँ स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हो। तो ये सब कट करने के बाद आपको दिखाते हूँ कि आपको इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो अभी मिलती हूँ सब कुछ चॉप करने के बाद। ओके। तो आपको कैप्सिकम भी जो है वो बारीक बारीक कट कर लेनी है। मैंने सारे के सारे बीज निकाल लिए, जितना बारीक कट करोगे ना उतना टेस्टी बनेगा आपका, क्योंकि जब आप टेस्ट करोगे तो आपको उसका टेस्ट अच्छा आएगा। ठीक है, तो अभी कैप्सिकम कट कर लेती हूँ। एक कैप्सिकम लिया मैंने, दो तीन टमाटर लिए मैंने, अभी एक बड़ी साइज की कैप्सिकम ली है, और अभी मैं ऑनियन कट कर लूंगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कट करा हुआ। तो कैप्सिकम और टमाटो कट कर लिया है, प्याज यहाँ पे डोली कट करी है, तो इस तरीके से आपको अच्छे से फाइन चॉप कर लेना है तीनों चीजों को। और प्याज तो डोली अच्छे से चॉप कर देते, बिकॉज इतने ज्यादा कड़वे काट रहे हैं ना प्याज मुझे आंखों में। मुझे भी, मेरे कपड़े गंदे ना हो तो मैंने एप्रन भी पहन लिया, कोई ताकि मैं बच के रहूं। मैं ये पूछ रही थी तुमसे कि तू ये बनाएगी किस पे, मतलब किस पे बनाएगी? तवे पे? हाँ अच्छा, तवे पे बन जाएगा, नॉन स्टिक या विदाउट नॉन स्टिक? नॉन स्टिक पे भी बन जाएगा। और दूसरे भी तो बना रही थी ना, पैन में भी तो बना रही थी। पैन में नहीं बना रही, पैन में जो वो वाला हमारे पास डिजाइन वाला पैन है ना, उसमें बनाएंगे ना तो बिल्कुल पिज्जे वाला टेस्ट आएगा, तो उसमें बना देते हैं। ठीक है, हम पैन वाले पिज्जे में, ओ पैन वाले पिज्जा के लिए पैन, हम डिजाइन वाले पैन में बनाएंगे। तो ये चॉप कर चुके हैं हम तीनों चीजें, अब आपको चाहिए, तो अभी आपको चाहिए साथ में टोमेटो केचप। ठीक है, एक बोल में केचप डाल दो। तो केचप का जो यूज है वो मैं अभी बताती हूँ आपको, मेन यूज केचप का ही है इसके अंदर। ठीक है, और इतनी ज्यादा भूख लग रही है तो यहाँ पे आपको लेनी है ब्रेड, सैंडविच ब्रेड है। हाँ, और व्हाइट वाली ब्रेड है, व्हाइट ब्रेड लिए मैंने, बेलन का है बेलन। आपको क्या करना है कि तो आपको क्या करना है इस पे, इसको सुन, हम ना पहले साइड से निकाल देते थे, तो यहाँ पे आपको बेल दिया, ब्रेड को बेल देना है। ठीक है, यहाँ पे चीज लेनी है जो मैं सीजन से कट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ब्रेड ली है जिसको बेलन से थोड़ा सा पीस लिया मैंने। यहाँ पे आपने टोमेटो केचप लगानी है जो हमने ली थी। टोमेटो केचप लगाने के बाद थोड़े से आपको चाहिए यहाँ पे, क्या नाम था यार, ओरिगेनो। हाँ, थोड़े से आपको चाहिए ओरिगेनो,
ठीक है। थोड़ी सी आपको चाहिए चिली फ्लेक्स, ठीक है। उसके बाद आपको इसके अंदर ऐड करना है, ऐड करनी है थोड़ी सी कैप्सिकम, थोड़े से आपको टोमेटो ऐड कर देने हैं, थोड़े से प्याज, और जो ये मैंने चीज लिया है इसको भी आपको फैला देना अपने इधर। चीजी पिज्जा बन रहा है ये। आपको अगर चीज को ज्यादा ही पसंद है तो जो अब हमने नीचे सॉस लगाई है, टोमेटो केचप लगाई है, तो उसके ऊपर भी आप अपना जो चीज है उसको फैला सकते हो। तो अब हम करेंगे गैस ऑन। ऐसा लगता है ना जब खाना बन रहा होता है तो खुद के मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ब्लैक पेपर, इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है, थोड़ा सा सोल्ट, और अगर आपको केचप चाहिए तो आप थोड़ी सी केचप ऊपर से और लगा सकते हो। इधर करेंगे थोड़ी सी ऑयलिंग, कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हो आप इसमें, बटर है तो बटर भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल थोड़ा सा ही लगा रहे हैं, ज्यादा नीड नहीं है आपको। तो यहाँ पे अब आप ये देखो तवे को अच्छे से गर्म करके जो हमारा पिज्जा है इसे लगा देना है आपने। और गैस को ना सिम कर देना, गैस को सिम इसलिए करना ताकि ना जो हमारा चीज है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, तो हमें इसे अब ढक देना है, इससे हम कवर कर देंगे। अब हमारा जो चीज है वो इससे अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और जो ब्रेड है ना वो एकदम से पकेगी नहीं, धीरे धीरे पकेगी और धीरे धीरे इसमें जो क्रिस्पीपन है वो आ जाएगा। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको ये रेडी होने के बाद। तो गाइस तब तक बनाती हूँ मैं चाय, ऐसे लग रहा है कि मैंने बनाया पिज्जा। हमें तो बहुत टेस्ट लगता है, अभी आप लोग बताना कि आप लोगों ने। इजी भी है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। बहुत ज्यादा इजी है, मतलब अभी हमें भूख लग रही है तो ये यही है कि मतलब अब सामान पड़ा था तो हमने सोचा चलो पिज्जा ही बना लेते हैं, तो फटाफट हमने बना दिया। यस, तो उतने में आप सारे के सारे जो पिज्जा है वो रेडी करके आप लोगों को दिखाती हूँ। जो मैं दूसरे वाला पिज्जा कह रही थी जिसमें ज्यादा चीज डालना होता है, तो वो आप कैसे बना सकते हो, उसमें आपको सॉस लेनी है, जितनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको सॉस पसंद है आप उतनी ले लीजिए, ज्यादा नहीं लेते तो, बट अगर आप सॉस डालोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये चीज जो है उसको फैला दीजिए। और सॉस में सिर्फ टोमेटो केचप यूज होती है ना, नॉर्मल टोमेटो केचप है किसान के लिए हुई है मैंने तो, ठीक है। इधर मैंने ये डाल दिया, और अब सारा चीज, अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी कैप्सिकम, थोड़ा सा प्याज, थोड़े से टोमेटो, और बल्कि मुझे थोड़ी सी ना ये जो है ना केचप रेडी कर दिया, इसको भी, इसको भी। अभी सेम वही चिली फ्लेक्स, सेम ओरिगेनो, ठीक है, और सेम चीज, ये देखो अभी मैंने थोड़ा ज्यादा ज्यादा चीज डाला है। तो गाइस दूसरा पिज्जा इस तरह से रेडी कर लेना है, ऐसे ही दोनों तरीके बता दिए, अगर आपको पहले चीज डालना तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना तो मत डालिए, ऑप्शनल है। तो यहाँ पे ये देखिए चीज जो है वो मेल्ट होने लग गया है अच्छे से, और काफी ज्यादा क्रिस्पी भी हो चुके, देखो सारा चीज मेल्ट हो चुके हैं, जैसे थोड़ा चीज अब ज्यादा डालियो। तो यहाँ पे ये देखिए चीज रेडी हो चुकी है, ध्यान से पता लगे गिर दे। तो अभी आप इसको थोड़ा सा जो है इस तरह से, वाओ क्या खुशबू आ रही है इसकी, और हाँ आ रही है ना कैप्सिकम की, तो थोड़ा सा आप ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स इसमें डाल सकते हो दोबारा से। तो ये हमारा कम चीज वाला रेडी हो चुका है। तो अभी डोली इसको टेस्ट करके बताएगी कि कैसा बना है। अब बोल, गरम है, गरम तो होगा ही ना, ये तो खाली ब्रेड था। पीछे से देख कितना क्रिस्पी है, दिख रहा है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। तनु
मेरा तो डन हो गया। एक ही खाने बस? नहीं और खाने दो तीन। डन हो गया मतलब अब चाय बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लग रहा है खाने में, बिल्कुल इजी है और बहुत जल्दी बन गया, मतलब मजा ही आ गया ये खा के। तो यहाँ पे दूसरे वाला जो है मैंने रख दिया है, चबल चीज हो गया अब वो तो मैं खा चुकी हूँ बिल्कुल, इतना सा रह गया ये भी खा जाऊंगी मैं अभी। आप वापस से हम तो चलो गाइस अभी हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में सारे के सारे पिज्जा रेडी करने के बाद। तो डोली यहाँ पे बना रही है चाय और मैंने यहाँ पे दो पिज्जा इकट्ठे रख दिए बिकॉज थोड़ी जल्दी जल्दी बन जाएगी ऐसे। और ऐसा किस किस के साथ होता है कि जैसे हम लोग को भूख बहुत ज्यादा लग रही है और जब हम वो चीज बनाने लगते हैं ना तो हमारी पूरी भूख ही मिट जाती है, हमारे साथ तो होता है। हाँ, बनाने के बाद पूरी भूख खत्म हो जाती है पर देख के मन करता है खाने का कि हाँ बस खा ले। तो डोली कह रही थी डोली नहीं खाएंगे अब। अच्छा किसने कहा है? मैं तो चार पांच पेल दूंगी आज, सारे के सारे खा लूंगी, तेरे लिए छोड़ूंगी इतनी भूख ले। तो गाइस सारे के सारे पिज्जा जो है वो बनकर रेडी हो चुके हैं हमारे, अब टाइम है इनको खाने का। और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे सॉस, देन हम इसे खाएंगे। और हमारी गर्मा गर्म चाय भी रेडी हो चुकी है, सो चाय पीते हैं। ओ मैं तो खिला देता हूँ। चाय पीते हैं और पिज्जा को एंजॉय कीजिए अब आप लोग।